मॉर्निंग क्लास आज हम बी एस सी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट फिफ्थ सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ठीक है क्या मेथड्स फॉर एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम आ, कैसे सोल्यूशन के कंसन्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से सपोज हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ठीक है तो हम इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं पहला वे वेट वेट यूनिट ठीक है वेट वेट यूनिट इसको हम डिनोट करते हैं W ऑब्लिक W दूसरा हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं W ऑब्लिक V ठीक अब हमारा ये जो वेट वेट यूनिट होता है ये तीन तीन तरह से हम इसको तीन तरह से इसके कंसंट्रेशन को देख सकते हैं वेट परसेंटेज यूनिट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऐसे ही जो हमारा वेट वॉल्यूम यूनिट होता है इसको भी हम तीन के तीन तरह से देख सकते हैं मोलारिटी नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि ये हमारा जैसे हमने वेट, वेट 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 यूनिट से क्या क्या निकाला वेट परसेंटेज यूनिट इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे तो इनके सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन को जानेंगे और उसके डेफिनेशन के बेसिस पे हम इनके फॉर्मूला को क्या करेंगे डिराइव करेंगे नोट जैसे इन वेट, वेट वेट यूनिट वेट वेट, वेट यूनिट में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो भी हमारा किस में होगा वेट में होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा क्या होगा वेट में होगा ठीक अगर हम इन वेट वॉल्यूम यूनिट की बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल तो हमारा वेट में होगा वेट इन सेंस ग्राम में किलोग्राम में लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा किस में देखा जाएगा वॉल्यूम में तो दो तरह का बताया हमने वेट वेट यूनिट वेट वॉल्यूम यूनिट वेट वेट यूनिट में हम सॉलिड पार्टिकल भी वेट में लेते हैं और सॉल्वेंट भी वेट में लेते हैं लेकिन वेट वॉल्यूम यूनिट में हम सॉलिड पार्टिकल तो वेट, वेट में लेते हैं लेकिन सॉल्वेंट हम किस में लेते हैं वॉल्यूम में अब वेट परसेंट परसेंटेज यूनिट हम कैसे निकालेंगे ठीक है देखो डेफिनेशन क्या है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंटेज मतलब कि हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन जो बना है उसमें कितना परसेंटेज सोल्यूट डिजॉल्व किया गया है सपोज वेट ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है डब्ल्यू ए ग्राम और सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है डब्लू बी ग्राम तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डब्लू ए और डब्लू बी हम क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे तो अब हम यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं वेट परसेंटेज यूनिट क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट ये क्या हो जाएगा वेट वेट यूनिट क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है कितने सॉल्यूशन में ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज हम हंड्रेड में निकालते हैं ठीक है अब वेट ऑफ सोल्यूट हमने कितना माना है डब्लू ए ग्राम तो यहाँ पे हम लिख देंगे डब्ल्यू ए और सोल्यूशन कितना है हमारा डब्लू ए प्लस डब्लू बी इन टू हंड्रेड ठीक है जैसे मान लो हंड्रेड ग्राम शुगर को हमने नाइन्टी ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है ठीक है हंड्रेड ग्राम शुगर को हमने नाइन्टी ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है ठीक है तो यहाँ पे बेटा देखो ओवरऑल सोल्यूशन कितना हुआ टेन ग्राम शुगर को नाइन्टी ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है तो ये सॉल्वेंट हो गया ये सोल्यूट हो गया तो सोल्यूशन हमारा क्या बन के आया हंड्रेड तो हम क्या लिख सकते हैं जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिया हमने टेन ठीक है सोल्यूशन हमारा कितने का बना है टेन प्लस नाइन्टी कितने का बना हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल आउट मतलब कि हंड्रेड ग्राम शुगर को नाइन्टी ग्राम वाटर में अगर डिजोल्व किया गया है तो ये जो परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना होगा टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ शुगर क्लियर सेकेंड वेट वेट यूनिट में क्या था मोलैलिटी मोलैलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन थाउजेंड ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के है एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें ग्राम ऑफ सोल्यूट था वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें इन ग्राम में और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक तो वन थाउजेंड यहां पर क्योंकि डेफिनेशन में वन थाउजेंड लिखा है वन अगर हम बोले इफ वेट ऑफ एंड, एंड एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं अब अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने किससे डिनोट किया एन ए से और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या था डब्ल्यू बी था ठीक तो जो मोलैलिटी होगी यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है एन ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू वन थाउजेंड ठीक अब नंबर ऑफ़ मोल्स अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट गिवन वेट कितना दिया गया है डब्ल्यू ए और मोलिकुलर वेट कितना है हमारा एम ए तो इसको अगर हम इस एन ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा मोलरिटी हमारा एम इज उक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इन डब्ल्यू बी इंटू वन थाउजेंड ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला अब वेट वेट यूनिट में थर्ड आता है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन किसमें इन बाइनरी सोल्यूशन इन बाइनरी सोल्यूशन में हमारा क्या होता है जो ए सोल्यूट होता है इसको हम क्या लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे एन ए और सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिखेंगे एन बी ओके तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी सॉल्यूट रिस्पेक्ट नंबर ऑफ मोल्स अगर हम सॉलिड को नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एक्स ए ये हमारा क्या हो गया मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड क्या था एन ए था ओके okay? और टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी ठीक है ये यूनिटलेट्स होते हैं इन सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है वन ये मैंने आपको पहले भी बताया था मोल फ्रैक्शन जो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है कैसे वन होती है देखो अगर हम एक्स ए का मोल फ्रैक्शन ये है ऐसे ही अगर हम एक्स बी का मोल फ्रैक्शन लें और इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे एल्शियम से सॉल्व करें तो हमारी ये वैल्यू आएगी और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलवेज वन अब आता है वेट वॉल्यूम यूनिट अभी हमने क्या पढ़ा था वेट वेट यूनिट ठीक है अब हम पढ़ेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू ऑब्लिक वे इसमें जो हम सॉल्यूट इसमें जो हम सॉल्यूट लेते हैं वो हम वेट में लेते हैं और जो सॉल्यूशन लेते हैं वो हम वॉल्यूम में लेते हैं इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं मोलैरिटी के फॉर्म में नॉर्मेलिटी के फॉर्म में और फॉर्मेलिटी के फॉर्म में अगर हम नॉर्मेलिटी के फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा देखो नॉर्मल मोलैरिटी mol, का फॉर्मूला जो होता है मोलैरिटी की डेफिनेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सोलूशन तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा डब्ल्यू ए और मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना होता है एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं एमए से ठीक है तो ये हमारा क्या निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो हम यह क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वन थाउजेंड अपॉन वी वॉल्यूम किस में इन लीटर में इसको समझते हैं एग्जाम्पल में जैसे हमने ट्वेंटी ग्राम एन एच सोल्यूट लिया और डिजॉल्व कर दिया वन लीटर सोल्यूशन बनाया ट्वेंटी ग्राम एन सॉल्यूट से हमने वन लीटर सॉल्यूशन बनाया तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं तो क्या लिखेंगे हम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अब देखो एन का वेट कितना दिया है ट्वेंटी और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है फोर्टी तो हमने ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर्टी किया तो कितना है वन बाई टू आप इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखो क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू कितना है वन थाउजेंड है और वॉल्यूम भी हमने कितना लिया वन लीटर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा वन थाउजेंड वन थाउजेंड से वन थाउजेंड कट जाएगा और जो मोलैरिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी ज़ीरो पॉइंट पॉइंट फाइव मोल ओके अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जो हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है ये होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्न बेट ई ए है तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी नॉर्मेलिटी हो जाएगी डब्लू ए अपॉन ई ए इंटू वी और यहाँ पे इंटू पन्थ हाउस फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी किसके लिए देखते हैं आइनिक सोल्यूशन के लिए कितने आइंस उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर सोल्यूशन ठीक है तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम वेट वेट यूनिट देखते हैं तो उसके लिए हम वेट परसेंटेज यूनिट का, का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं मोलारिटी कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं लेकिन जब हम सोल्यूशन को वेट वॉल्यूम यूनिट के टर्म में देखते हैं तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं ये आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू